हेलो गाइस, यू आर वाचिंग वेब्रोटेक। इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने डिजाइन को अपने फ्रेंड कलीग के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। उसका जो लिंक है, कोई मैंने डिजाइन अगर बनाया उसका लिंक अगर मैं शेयर करूँ, अगर उसको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, सर्च करते हैं canva.com। जैसे ही आप canva.com सर्च करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या है कि किसी डिज़ाइन को डाउनलोड करने के बाद उसकी इमेज हम देते हैं, बट हम इसका लिंक शेयर करने के बाद एज इट इज़ हम उसका लिंक देंगे और उसको हम अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम एडिट भी कर सकते हैं उसके अंदर, उसका उसके बाद फिर हम व्यू कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ग्रेट डिजाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कस्टम डिजाइन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। 500x500 का हम क्रिएट डिजाइन करते हैं। क्रिएट डिजाइन इसलिए कर रहा हूँ कि एक मैं आपको डिजाइन लिख के दिखाऊंगा, उसको फिर हम शेयर करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी डिजाइन को किस तरह से हम शेयर कर सकते हैं। तो ये डिजाइन मैंने ले लिया है। सपोज करो आपका ये डिजाइन होगा जो आपने बनाया होगा एंड उसको आप अपने कलीग फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे कि उसमें कुछ चेंज करना है, तो आप कैसे शेयर करोगे। आप पहले शेयर पे जाएंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है आपका जो लिंक आता है, टेम्पलेट लिंक होता है। ये टेम्पलेट लिंक आप शेयर कर सकते हो। जब आप टेम्पलेट लिंक शेयर करोगे, ये वाला लिंक होता है, एज इट इज़ आप शेयर कर दीजिए। तो ये जो आपका डिजाइन का लिंक है, वो अगर कोई पर्सन उस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसमें आपका ये जो डिजाइन है वो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद है व्यू लिंक। अगर ये वाला लिंक आप उनको शेयर करेंगे तो उसमें व्यू कर सकते हैं, वो डिजाइन एज इट इज़ व्यू हो जाएगा, ना कि इमेज हो गई उसकी भी, ये इसका डिजाइन व्यू हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।